चल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को शनिवार के दिन गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। वहीं मुख्तार के अंतिम दर्शन को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि हम जरूर जाते मगर हम बहुत दूर हैं और हमारे कई कार्यक्रम भी लगे। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव ने मुख्तार की मौत को संदेह के घेरे में भी बताया। देखिए, आज हम बहुत दूर हैं, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम भी लगे हैं, नहीं तो उनके हम जरूर जाते, अंत्येष्टि में हम जरूर जाते। अच्छा, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हार्ट अटैक से मौत आई, वो तो संदेह के घेरे में है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो है आज से जो है चुनावी जनसभा का आगाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिये, चुनाव में तो सभी लोग आगाज अपने अपने करते ही हैं। हम लोग तो एक साल डेढ़ साल से चल रहे हैं, आज बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो देखिए, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, हम भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लगातार 4 दिन करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग भी की थी। साथ ही शिवपाल ने मुख्तार एंड फैमिली से अच्छे रिश्ते होने की बात भी कही थी। ऐसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आजादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जी, बीमारी को बताया था कि एम्स में भर्ती कराया जाए मगर भर्ती नहीं कराया गया, तो सरकार की इसमें क्या आप भूमिका लगती है क्या? देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई थी। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उनके शव को बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में 8 घंटे का रास्ता तय कर बांदा से गाजीपुर मुख्तार का शव पहुंचा, जहां उसे दफना दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।